तो स्क्रीन हम शेयर करते हैं आपसे। हाँ ठीक है, तो हम लोग मैप डिस्टेंस पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने यूकेरियोट में मैप डिस्टेंस यानी जेनेटिक मैप निकाला देख समझा था और सीखा था कि अगर लिंक्ड जीन्स हो तो हम उनमें कैसे जेनेटिक मैप निकालते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू हैप्लॉइड मैपिंग। तो हैप्लॉइड मैपिंग जनरली फंजाई में होता है क्योंकि फंजाई टिपिकली हैप्लॉइड स्टेज में रहना पसंद करते हैं और डिप्लॉइड स्टेज में कम टाइम के लिए रहते हैं। तो जो हैप्लॉइड फंजाई है या फंजाई जो है ये दो टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वन ए सेक्सुअली और अदर इज सेक्सुअली। तो ए सेक्सुअली बाई स्पोर्स, टू स्पोर्स और कई टाइप के स्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली दे फॉर्म गैमेट्स। तो गैमेट्स का मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस करते हैं वो मेल हाइफी और फीमेल हाइफी अलग अलग टाइप के हाइफी मतलब माइसीलियम की एक ब्रांच होती है। जो फंजाई होते हैं उनमें माइसीलियम होती है और उनके माइसीलियम से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको हाइफी कहते हैं। ओके, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन दे फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट और जायगोट फिर क्या होता है उसमें मियोसिस होती है। तो मियोसिस से एक जायगोट से फोर हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और फोर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इसलिए उनको क्या कहते हैं टेट्रॉड। ओके, देन आफ्टर मियोसिस माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। तो फोर से फिर उसका डबल हो जाते हैं यानी कि एट। तो फोर स्पोर्स बिकम एट स्पोर्स by mitotic division and these spores is known as octad। क्योंकि four थे tetrad थे और फिर eight हो गए तो ये octad हो गए। देखिए ये haploid cell है, ये दोनों पास में आए, fertilization reproduction हुआ, diploid zygote बना, zygote after meiosis ये फोर स्पोर प्रोड्यूस किए। ये स्पोर्स जितने प्रोड्यूस होते हैं उसको एस्कस कहते हैं, मतलब ये किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं एस्कस। और फिर आफ्टर माइटोटिक डिवीजन ये फोर स्पोर यानी टेट्राड बिकम ऑक्टेड यानी कि अब डबल हो जाते हैं, एट हो जाते हैं। ओके, अब जो अरेंजमेंट है वो दो टाइप का होता है इनमें, मतलब जो फंजाई होते हैं डिफरेंट फंजाई में डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट दिखता है और ये डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट इसलिए होता है कि इफ ऑक्टेट या एस्कस हैव स्पेस तो दे मिक्स टुगेदर। मतलब ये है कि अगर एस्कस बड़ा है और उसमें स्पोर्स है या फिर फोर स्पोर है या फिर एट स्पोर्स है और दे कैन मूव फ्रीली तो ऐसे एस्कस को अनऑर्डर्ड या ऐसे टेट्राड को अनऑर्डर्ड टेट्राड कहते हैं। जैसे कि आप पीछे हमने अभी जो स्ट्रक्चर दिखाया ये वाला, ये स्ट्रक्चर इसमें देखिए स्पेसेस मौजूद है, यहां पर स्पेस है, यहां पर स्पेस है। अगर हम इसको ऐसे देखें ये स्पेस है और ये स्पेस है, तो इस स्पेस में कोई भी स्पोर हो सकता है, ये यहां मूव कर जाए या ये वाला इधर मूव कर जाए या ये इधर मूव कर जाए, इनमें स्पेस मौजूद है।
तो ऐसे एस्टर को या ऐसे टेट्राड को जहां पर मूवमेंट पॉसिबल है उनको अनऑर्डर्ड कहते हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर क्या है, चेंज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। जो सेकेंड स्पोर है वो ऑर्डर्ड स्पोर कहलाते हैं या ऑर्डर्ड टेट्राड कहलाते हैं। ऐसे फंजाई जिनमें एस्कस वेरी टाइट होते हैं, टाइट एस्कस जो होते हैं दे प्रिवेंट स्पोर फ्रॉम रेंडमली मूविंग अराउंड। तो जिसके कारण क्या होता है, जब रेंडम मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है तो फिर जो टेट्राड प्रोड्यूस होते हैं वो फिर लीनियर अरेंजमेंट शो करते हैं। ओके, ऐसे टेट्राड जिनमें लीनियर अरेंजमेंट हो, जिनमें मूवमेंट, वीडियो नहीं दिख रहा है। उनको ऑर्डर्ड टेट्राड कहते हैं, या ऐसे ऑक्टेट को ऑर्डर्ड ऑक्टेट कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सैक्रोमाइसिस ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास और एस्परजिलस, ये तीन जो स्ट्रक्चर हैं, ये तीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, यहां पर मूवमेंट पॉसिबल है। इन एस्कस में मूवमेंट पॉसिबल है, ये यहां मूव कर सकता है, ये यहां मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है और ये इधर मूव कर सकता है, मतलब रोटेशन हो सकता है। इसी तरीके से ये मूव कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, किधर भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि देर इज स्पेस। तो इफ देर इज स्पेस दे शो अनऑर्डर्ड टेट्राड। और लास्ट देखिए, न्यूरोस्पोरा के केस में, न्यूरोस्पोरा के केस में देर इज नो स्पेस, ये ऑक्टेड है, फोर एंड फोर एट स्पोर है इसमें, तो ये एट स्पोर दे कैन नॉट मूव हेयर एंड हेयर, क्योंकि ये इतना क्लोजली और टाइटली अरेंज्ड है, लीनियरली अरेंज्ड है। तो ऐसे ऑक्टेड को क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड ऑक्टेड। तो देर इज टू टाइप ऑफ ऑक्टेड फॉर्म इन फंजाई, इन सम इट इज अनऑर्डर्ड टाइप एंड इन सम इट इज ऑर्डर्ड टाइप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब अनऑर्डर्ड टेट्राड यानी कि ईस्ट है या फिर क्लेमाइडोमोनास है या एस्परजिलस है, इनमें मूवमेंट पॉसिबल है। तो इनमें अगर जो है हमें मैप डिस्टेंस निकालना है, तो हमें ये पता करना होगा कि ये जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें जो जीन है दे फॉर्म बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो हो रहा है या फिर लिंकेज शो हो रहा है। तो हमें डिटरमाइन करना होगा मैप डिस्टेंस निकालने से पहले कि यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यानी कि क्रोमोसोम डिफरेंट, मतलब जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम या जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ओके, तो फॉर एग्जांपल मान ले वन एन ए बी स्पोर, स्पोर जो है उसमें दो जीन है ए और बी। ओके, फ्यूज विद एन ए प्लस बी प्लस स्पोर। ओके, यानी कि ये वाइल्ड टाइप हो गया और ये म्यूटेटेड टाइप हो गया। तो ये दो स्पोर है एंड द डिप्लॉयड देन अंडरगो मियोसिस, द स्पोर कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन एज हैप्लॉयड कॉलोनीज विच आर देन ऑब्जर्व फॉर द फिनोटाइप, द टू लोकाई कंट्रोल ओनली थ्री पैटर्न कैन अकर। जब ए बी स्पोर और ए प्लस बी प्लस स्पोर फर्टिलाइज होते हैं एंड अंडरगो मियोसिस, मियोसिस होती है, तो फिर इनमें तीन टाइप के पैटर्न हमें शो होंगे। पहला पैटर्न क्लास वन टाइप का होता है। क्लास वन यानी कि दे हैव ओनली पेरेंटल सेल्स,
यानी कि अगर ए ए ए बी है ओके, तो इससे मियोसिस से क्या होगा, ए बी ए बी, और ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस प्लस लगा प्लस प्लस दिस इज प्लस प्लस, लेकिन इधर ऐसा बारिश नहीं हुआ है ना, ऐसा बारिश ओनली ए बी और ए प्लस बी प्लस मिले, यानी कि सिर्फ पेरेंटल टाइप मिले, तो ऐसे क्लास को या ऐसे एस्कस को क्या कहते हैं, पेरेंटल डाई टाइप। ओके और अगर क्लास टू किस तरीके से मिलेगा, क्लास टू की जब हमें कोई भी पेरेंटल टाइप ना मिले, 100% रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले, तो उनको कहेंगे नॉन पेरेंटल डाई टाइप। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जो सेकेंड क्लास है इट इज नॉन पेरेंटल डाई टाइप, यानी कि ए प्लस बी प्लस की जगह क्या है, ए बी प्लस और ए प्लस बी ओके। तो जब 100% रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले तो ऐसे क्लास को कहेंगे नॉन पेरेंटल डाई टाइप। थर्ड टाइप का क्या मिल सकता है, 50%, ये देखिए आप, ये और ये, दिस इज पेरेंटल टाइप, और ये देखिए ये इट इज नॉन पेरेंटल टाइप। तो इफ 50% पेरेंटल टाइप एंड 50% नॉन पेरेंटल टाइप मिले, ऐसे क्लास को कहेंगे टेट्रा टाइप। तो जब फंजाई में, अनऑर्डर्ड फंजाई में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट जो है फ्यूज होते हैं, तो आफ्टर फ्यूजन तीन टाइप की क्लासेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी, पेरेंटल डाई टाइप यानी कि 100% पेरेंटल टाइप, नॉन पेरेंटल डाई टाइप 100% रिकॉम्बिनेंट टाइप, और टेट्रा टाइप यानी 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप एंड 50% पेरेंटल टाइप। तो ये तीन क्लासेस प्रोड्यूस ओके। नाउ नेक्स्ट, तो ये हमें पता चल गया कि तीन क्लासेस, अगर वो लिंक्ड जीन है तो तीन क्लासेस हमें मिलेंगी। अब ये जो तीन क्लासेस मिल रही हैं वो कैसे मिल रही हैं, ये हम देखेंगे। तो ये एक तो बात ये समझिए, जो पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं आपको, इट इज बिकॉज नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। जो फर्स्ट क्लास है यानी कि पेरेंटल डाई टाइप, हेयर नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ओके। जो सेकेंड क्लास है यानी नॉन पेरेंटल डाई टाइप, इट इज बिकॉज 100% क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, यानी कि एक से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर शो कर रहे होंगे, जो चारों क्लास है वो चारों क्लास क्रॉसिंग ओवर शो कर रहे होंगे, इसलिए हमें नॉन पेरेंटल डाई टाइप मिला, यानी कि सभी जितने भी जीन उसमें थे वो सभी चेंज हो गए थे। और पेरेंट और टेट्रा टाइप में 50% क्रोमोसोम आर इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। जब 100% क्रोमोसोम आर इन्वॉल्व इन, या क्रोमोसोम नहीं कहेंगे उसको, क्रोमेटिड्स कहेंगे ओके। तो दो क्रोमोसोम है यानी होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जब ऑल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर, दैट मींस की नॉन पेरेंटल डाई टाइप ओके। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, इस वाले केस में, इसमें फर्स्ट भी इन्वॉल्व है क्रोमेटिड्स, सेकेंड भी इन्वॉल्व है, थर्ड भी इन्वॉल्व है एंड फोर्थ भी इन्वॉल्व है। तो इफ ऑल द क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर, इट इज नोन एज नॉन पेरेंटल डाई टाइप। और इफ 50% क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर, तो इट इज नोन एज टेट्रा टाइप, बिकॉज जब 50% इन्वॉल्व होंगे तो 50% ही रिकॉम्बिनेंट बनेंगे।
ये जो 50% है यही रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? रिकॉम्बिनेंट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जिन क्रोमेटिड्स के बीच में होगा वही क्रोमेटिड्स रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। तो इसका मतलब नॉन पेरेंटल डाई टाइप में ऑल द क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर, वाइल टेट्रा टाइप 50% क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर, वाइल इन पेरेंटल डाई टाइप नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, यानी कि नो क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। तो ये तीन टाइप के आपको क्लासेस मिलेंगी मियोसिस। ओके, अब आगे ये हमें समझ में आ गया कि कैसे टेट्रा टाइप बने, कैसे पेरेंटल डाई टाइप बने और कैसे नॉन पेरेंटल डाई टाइप बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हम अभी तक बात कर रहे थे अनऑर्डर्ड टेट्राड की, जिनमें ऑर्डर नहीं था। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस, यानी कि न्यूरोस्पोरा की। इससे पहले हम यीस्ट, एस्परजिलस या क्लेमाइडोमोनास, इनका एग्जांपल ले रहे थे। जो ऑर्डर्ड टेट्राड है उसमें एग्जांपल आता है न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा में देखिए, ये विजिटेटिव हाइफी है, हैप्लॉइड विजिटेटिव हाइफी, जो कि हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ये स्पोर क्या होंगे, ये रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन से जायगोट बनेगा, जायगोट एस्कस के अंदर होगा, फिर मियोसिस होगी। यहां पर मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट, देन मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट से दो स्पोर, मियोसिस सेकेंड से फोर स्पोर प्रोड्यूस हुए। लेकिन अरेंजमेंट देखिए बिल्कुल क्लियर है, ए और ए, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए थे। तो जब स्मॉल ए एक साथ आ गए और कैपिटल ए एक साथ आ गए, और ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। अब जब मियोसिस के बाद माइटोसिस होगी तो ये फिर से डबल हो जाएंगे, यानी कि ये सारे जो है अब इसी अरेंजमेंट में रहेंगे। इस अरेंजमेंट का मतलब किस अरेंजमेंट में होंगे, अब ये होंगे, ये है, तो ये है ए, सॉरी स्मॉल ए और कैपिटल ए ए, ठीक है। ये फोर टाइप्स, एट टाइप के ऑक्टेट जो बनेंगे वो ये बनेंगे। ओके, ये जो स्पोर आपको दिख रहे हैं आठ, वो इस अरेंजमेंट में होंगे क्योंकि ये क्लोजली अरेंज है, मतलब जो ऑक्टेट है ये बिल्कुल टाइट है, ऑर्डर्ड है। तो इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होता इसलिए हम आगे एनालिसिस बहुत इजीली कर लेते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये तो लाइफ साइकिल हो गई न्यूरोस्पोरा की। अब न्यूरोस्पोरा के बारे में समझते हैं। न्यूरोस्पोरा लाइफ साइकिल हैज शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटी लाइफ साइकिल होती है। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं इट इज बिकॉज ऑफ सिंगल मियोसिस, और जो मियोटिक प्रोडक्ट होते हैं दे आर लीनियरली अरेंज इन एस्कस एज एट एस्कोस्पोर्स एज ऑर्डर्ड टेट्राड। एट एस्कोस्पोर्स आर इन ऑर्डर क्रोमेटिड मेटाफेज प्लेट, दिस इज कॉल्ड लीनियर और ऑर्डर टेट्राड। खैर ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ईच ऑफ फोर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस कैन बी कल्चर्ड सेपरेटली टू स्टडी देयर फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप। तो बिकॉज ऑफ दे अरेंज इन ऑर्डर्ड फॉर्म, वी कैन एनालिसिस कि जो जीनोटाइप होगा या फिनोटाइप होगा वो क्या होगा। ओके, तो अब हम निकालते हैं मैप डिस्टेंस, कि हम कैसे मैप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर्ड टेट्राड में, यानी कि न्यूरोस्पोरा में। तो ऑर्डर्ड टेट्राड में
हम एनालिसिस करते हैं मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर की. ओके तो जीन एंड सेंट्रोमियर के एनालिसिस हम कैसे करते हैं ये देखते हैं कि अगर कोई न्यूरोस्पोरा है उसके पास स्पोर है, ठीक है, ये एक एन है और ये एक दूसरा एन है. ओके तो इसके पास मान लीजिए एक के पास एक कैपिटल ए है और दूसरे के पास स्मॉल ए है, एन नंबर में है ना, टू एन नहीं है. तो एन है तो इसका मतलब कि जब ये क्रोमोसोम अगर अरेंज होगा तो इस सेंट्रोमियर के पास, ये मान लीजिए कि ये सेंट्रोमियर है, सेंटर है इसका, तो इसके पास कैपिटल ए होगा इस सेंट्रोमियर के पास और इस सेंट्रोमियर के पास स्मॉल ए होगा. ओके फिर ये मियोसिस फर्स्ट में इस तरीके से अरेंज होंगे, मियोसिस सेकेंड में इनके क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे. हाँ? और जब क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे तो ये मतलब ये ऊपर दो चले गए और नीचे दो चले गए. होता क्या है कि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज में ये कंडेंस होंगे क्रोमोसोम, मेटाफेज में ये मेटामेरिक प्लेट पे आ जाएंगे यानी कि स्पिंडल फाइबर से ये जुड़ जाते हैं और एनाफेज में ये अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं. तो ये मान लीजिए लेफ्ट साइड कैपिटल ए लेफ्ट साइड मूव कर गया और जो स्मॉल ए है ये राइट साइड मूव कर गया और फिर आफ्टर साइटोकाइनेसिस ये दो सेल बन गई मियोसिस सेकेंड के बाद. यानी कि अब ये जो दो सेल बनी, एक सेल के पास यहां पर कैपिटल ए हो गया और एक सेल के पास स्मॉल ए. अगर ये सेल सेपरेट नहीं हुई तो इनके पास जो स्पोर बने वो क्या बनेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए. ठीक है, अरेंजमेंट आप देखिएगा, अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया. अगर कैपिटल ए स्टार्ट है, कैपिटल ए और स्मॉल ए. फिर उसी तरीके से मियोसिस के बाद माइटोसिस में अब ये डबल हो जाएंगे लेकिन अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा. अब ये दो ए ए जो है ये दो अपने जैसे दो ए और प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर मियोसिस. उसी तरीके से ये दो स्मॉल ए अपने जैसे दो स्मॉल ए और प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर माइटोसिस, बट देयर अरेंजमेंट इज लीनियर क्योंकि उनका अरेंजमेंट ऑर्डर्ड फॉर्म में है तो ये अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा. खैर इन सबको बताने का पर्पज ये था कि हर सेंट्रोमियर के पास अपना अपना ये एक मिनट होल्ड करिएगा. ठीक है तो इन सबको बताने का पर्पज ये था कि हर सेंट्रोमियर के पास अपना अपना एक जीन है. ओके और जीन का ऑर्डर जो है वो सेम है तो इनके ऑर्डर के बेसिस पे हम सेंट्रोमियर की पोजीशन बता सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर ये हम बता सकते हैं. आगे देखते हैं कैसे बता सकते हैं. दैट इज देखिए ये न्यूरोस्पोरा एस्केस इज नैरो द मियोटिक स्पेंडल इज फोर्स्ड बाय अलोंग द सेल्स लॉन्ग एक्सिस द टू न्यूक्लियाई देन अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन व्हिच इज आल्सो ओरिएंटेड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द एस्केस द रिजल्ट ऑफ दैट द स्पोर आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू देयर सेंट्रोमियर. दैट इज इफ वी लेबल वन सेंट्रोमियर ए एंड द अदर इज स्मॉल ए for the two mating type a tetrad at meiosis first will consist of one a and one small a centromere.
ओके एट द एंड ऑफ न्यूरोस्पोरा द फोर एस्कोस्पोर आर इन ऑर्डर्ड कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए इन रिगार्ड टू सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर अगर कैपिटल ए वाला है तो उसके पास कैपिटल ए ही रहेगा और स्मॉल ए वाला है तो उसके पास स्मॉल ए ही रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन. हमें ये पता है कि जो सेग्रीगेशन होता है वो दो टाइप का होता है. कैसे होता है? क्योंकि मियोसिस भी दो टाइप की होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. दो टाइम डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट में एक टाइम डिवीजन होता है और मियोसिस सेकंड में एक टाइम डिवीजन होता है. ओके तो फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन मींस कि जब मियोसिस से क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं तो उसको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं और जब मियोसिस सेकंड से सेग्रीगेशन होता है तो उसको सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं. अच्छा अब हम ये मियोसिस में फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन और सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन पढ़ क्यों रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो सेग्रीगेशन में जो पैटर्न होगा वो मियोसिस फर्स्ट में भी सेम होगा और मियोसिस सेकंड में भी सेम होगा. इसलिए अगर क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस तो सेग्रीगेशन पैटर्न इज नोन एज फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन. क्योंकि सेग्रीगेशन तो वो फर्स्ट टाइम ही हो गया, मतलब फर्स्ट में ही जो हमें गैमेट मिल रहे हैं वो नेक्स्ट सेकंड में भी वही मिलेंगे. तो ऐसे सेग्रीगेशन पैटर्न को जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है उसको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं. जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं, हमने पिछले वाले की जैसे बात की थी कि एक के पास कैपिटल ए है और एक के पास स्मॉल ए है. ओके तो मियोसिस फर्स्ट में आप देखिए कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ. तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो कैपिटल ए ही रहा, मतलब कैपिटल ए अपर साइड रहा, मान लीजिए टॉप है, और स्मॉल ए बॉटम में ही रहा, दोनों सेम जगह पे हैं. तो इनसे गैमेट कौन कौन से बनेंगे? इससे कैपिटल ए, फिर इससे कैपिटल ए, इससे स्मॉल ए, इससे स्मॉल ए. तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहा है इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है. तो जब आपको फर्स्ट और सेकंड में कोई भी डिफरेंस ना दिखे और क्रॉसिंग ओवर ना हो रहा हो तो उसको उस सेग्रीगेशन को फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं. क्योंकि डिवीजन कहां पर हो जा रहा है? मियोसिस फर्स्ट में ही हो जा रहा है. तो जब मियोसिस फर्स्ट में ही हो जा रहा है तो फिर इसको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन ही कहेंगे. और इसमें जो आपको आफ्टर मियोसिस जो क्रोमोसोम मिलेंगे उनका, सॉरी, जो एस्कस मिलेंगे उनका पैटर्न होगा 4:4. क्यों 4:4 होगा? क्योंकि 4 कैपिटल ए टाइप के होंगे, देखिए ये वाले, और 4 स्मॉल ए टाइप के होंगे. सेकेंड टाइप का जो डिवीजन होता है इट इज सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन. और सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन जो है उसमें जो रेशियो होता है वो 2:4:2 या फिर 2:2:2 ये होता है. और इसमें सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन में रिजल्ट जो मिलते हैं वो आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिवीजन मिलते हैं और इट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर. तो जब क्रॉसिंग ओवर हो, आप इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. तो क्रॉसिंग ओवर से मियोसिस फर्स्ट में कैपिटल ए स्मॉल ए बने और फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए बने. देन आफ्टर मियोसिस सेकंड ये 4 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होंगे, यानी ये टेट्राड प्रोड्यूस होंगे. तो जब क्रॉसिंग ओवर दिखेगा या क्रॉसिंग ओवर होगा तब सेग्रीगेशन मियोसिस सेकंड में होगा.
क्योंकि मियोसिस सेकंड के बाद ये जो पैटर्न है वो चेंज हो जा रहा है। अब ये पैटर्न कैसा हो जा रहा है, टू इस टू टू इस टू टू इस टू टू, दो कैपिटल ए दो स्मॉल ए फिर दो कैपिटल ए और दो स्मॉल ए, जबकि अगर क्रॉसिंग ओवर ना होता तो पेरेंटल फॉर्म में इसको क्या होना चाहिए, फोर इस टू फोर, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है इसलिए जो पैटर्न हो जा रहा है वो टू इस टू टू इस टू टू हो जा रहा है, या फिर क्या हो सकता है टू इस टू फोर इस टू टू। ओके, तो इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस द डिवीजन पैटर्न इज सेकेंड डिवीजन पैटर्न या सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन, इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस द डिवीजन पैटर्न इज फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन एंड द रेशियो इज फोर इज टू फोर। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग का टाइम खत्म होने वाला है तो हम नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये दो मिनट बाद ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको